हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट जी। आज हम इस वीडियो के अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने या आपके पापा ने पूछा कि भी हाँ जी तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हो सकता है आपके माइंड में आपकी ड्रिंकिंग की बात आ जाए, आपकी स्मोकिंग की बात आ जाए, आपकी फ्लर्टिंग की बात आ जाए। तो ये सभी बातें हो सकती है, आपने जो जो कांड किए हैं वो आपको एकदम याद आ जाएंगे, शायद घर वालों को ये बात पता चल गया है। तो जब हम उन प्रोसेसेस जो आपकी मेंटल प्रोसेस की स्टडी करेंगे, मान लीजिए अब हम उसकी जो स्टडी करने लगे हैं उन प्रोसेस और थिंकिंग की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहेंगे। हाँ जी, ये सिंपल वर्डों में था। डेफिनेशन क्या रहेगी? कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, लर्न एंड व्हाट दे रिमेंबर। कैसे लोग जो चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे वो लर्न करते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं। हम कह सकते हैं जो ऑल ऑफ थिंग दैट गो ऑन इनसाइड योर ब्रेन इंक्लूडिंग परसेप्शन, थिंकिंग, मेमरी, अटेंशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। ये सभी चीज़ें हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। साइंटिफिकली स्टडी ऑन पीपल परसेप्शन, लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये हमने जो इसके अंदर राइट डाउन किया है। एक सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि स्पीच परसेप्शंस भी कॉग्निटिव के अंदर आएगी, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टडी भी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आएगी, लैंग्वेज एक्विजिशंस भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आएगी, और आप जब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या आप किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन कर रहे हैं तो वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ही आएगी। ओके, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट इस वीडियो के अंदर बताना चाहेंगे, जो आपकी बिहेवियर है, बिहेवियर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आपकी मेंटल प्रोसेसेस आपका बिहेवियर डिटरमाइन करती है। यदि आपकी मेंटल प्रोसेसेस सही हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके मेंटल के अंदर जो कुछ सैडनेस चल रहा है तो हो सकता है आप दुखी रहेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस को भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। डोमेन का मतलब क्या रहेगा? डोमेन को आप जो एरिया से डिनोट कर सकते हैं कि भी कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा फील्ड है जिसके अंदर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 12 डोमेन है, 12 डोमेन जिसके अंदर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज़ है, जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके आपको पहले नाम बता देते, फिर इनको हम डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली, इनके ऊपर है जो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट दोनों मिलकर काम करेंगे। परसेप्शन, हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ अवर 5 सेंस ऑर्गन्स। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, के अंदर हम क्या करेंगे, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनको मैच करने की कोशिश करेंगे हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि हम पजल वाले गेम के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है जो अटेंशन, अटेंशन की बात करते हैं तो अटेंशन क्या होती है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अटेंशन को हमें जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल कह सकते हैं किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का। कॉन्शियसनेस किसे कहेंगे? अभी कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं जिसके अंदर हम कॉन्शियसली बिहेव करते हैं, या हम कह सकते हैं चेतन, हिंदी के अंदर हम चेतन कहेंगे, कॉन्शियस कह सकते हैं हम। अवेयरनेस हमारे अंदर कितनी है, या फिर हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ टाइमिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, मेमोरी किसे कहेंगे? मेमोरी के अंदर आपको ही पता है मेमोराइज करना चीज़ों को, इसके अंदर जो हम मेमोरी को जो कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर उनको डिफाइन करेंगे, SM सेंसरी मेमोरी, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करने में कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी मदद करती है। इमेजरी के अंदर कैसे इमेजिनेशन प्रोसेस है जो कैसे वर्क करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। लैंग्वेजेस, लैंग्वेज आपको पता ही होगा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किस प्रकार है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसके अंदर भी मदद करेगी, या उसके अंदर जो वो फील्ड है जिसके अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूज़ होती है। थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कैसे हम थिंक कर रहे हैं और कैसे हम कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, हो सकता है सभी के लिए हो। तो चलिए हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं, कैसे ब्रीफली हम बात करते हैं। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या कहते हैं? देखिए, कॉग्निटिव आ जाता है तो हम माइंड से रिलेटेड हो गए हैं, न्यूरोसाइंस आ जाता है तो हम नर्व सेल के बारे में बात करेंगे। आपको जैसा कि दिख रहा है साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट, अभी साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट जब मिलकर काम करते हैं, वर्क टुगेदर, तो उसको हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इसको समझने के लिए आप डेफिनेशन की ओर जाइए। देखिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एक्सटर्नल बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस, अभी अभी हमने पढ़ा कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, जो कि ह्यूमन माइंड या मेंटल प्रोसेस को रीड आउट करे, या साइंटिफिकली जब हम उनकी स्टडी करते हैं उसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं।
लेकिन जैसे ही हम आते हैं न्यूरो साइंटिस्ट पर, तो न्यूरो साइंटिस्ट का क्या काम है, स्टडी ऑफ ब्रेन इंटरनली इन देयर लेबोरेटरीज। जब ब्रेन की स्टडी चल रही हो हमारी लेबोरेटरीज के अंदर, वो न्यूरो साइंटिस्ट कहलाएगा। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर भाई भाई है जो काम करने लग जाएं, तो उनको हम कॉग्निटिव न्यूरो साइंस कहेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर जो है कि भी जो हमारे कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की जो थ्रू क्रिएट होती हैं। जैसे कि हम कोई भी स्टिमुलेशन है वो कैसे क्रिएट होती है, हम जैसे भी गर्म बर्तन को हाथ लगा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे माइंड को तुरंत स्टिमुलेट करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, और फिर हमारा हाथ जो तुरंत उस बर्तन से अपना हाथ को हटा लेता है। तो इसका मतलब एवरी पार्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस फ्रॉम सेंसेशन टू मेमोरी, कोई भी चीज़ हम सेंसेशन से लेकर मेमोरी तक वो सपोर्टेड की जाती है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि टेक प्लेस की जाती है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर। इतना ही काफ़ी है, आप अपने एग्जाम के अंदर एज ए थ्योरी भी लिख सकते हैं और इसको समझने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ अ परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं, हमने पहले भी बताया ह्यूमन माइंड की जब हम परसीविंग को स्टडी कर रहे हैं तो भी वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो परसेप्शंस का मीनिंग क्या कहेंगे हम इसको, कैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, हमारे रिसीव करने का तरीका, वे ऑफ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें। जैसे कि कोरोना वायरस था, अभी कोरोना टाइम था जो कई जो व्यापारियों के लिए जो एक बेहतर टाइम था, जैसे किराना की दुकान हो गई, डॉक्टर्स के लिए जो कि लोकल डॉक्टर्स थे वो कहते हैं कि भाई ऐसा लॉकडाउन तो लगे क्यों, मरीज इतने आ रहे थे डेली की डेली, काफ़ी इनकम हो रही थी उनकी, तो वे वो प्रोसेसिंग। लेकिन कईयों का काम नहीं था, किसी को खाना तक नहीं मिल रहा था, कोई अपने घर पर नहीं जा पा रहा था, तो वे वो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे प्रसीव करें, हम कैसे चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं उसको हम प्रसेप्शन कहेंगे। जैसे हम चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को किन किन तरीक़ों से प्रसीव कर सकते हैं, विजुअल तरीके से, अपनी आँखों से, हियरिंग, कानों से, टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके। ये सभी परसेप्शंस के हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है जिसके मीडियम, जिसके थ्रू हम जो चीज़ों को परसीव करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कैप्चर प्रोसेस एंड एक्टिवली मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंस रिसीव, जो हमारे सेंस रिसीव करते हैं उनको हम एक इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। जब हम उनको रिसीव कर लेते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं देन वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है हमारे माइंड के अंदर, तो उसको हम प्रसिप्शन कहेंगे। तो आप प्रसिप्शन के अंदर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है पैटर्न रिकॉग्निशंस पर। देखिए पैटर्न को कैसे पहचानोगे आप, देखिए आपने पज़ल का गेम खेला होगा, आज नहीं तो पहले खेला होगा भाई, पज़ल हो गया, या फिर कई बार क्या होता है कुर्सी टूट जाती है तो अपने घर पर, या बोतल का ढक्कन टूट जाता है, बोतल टूट जाती है, तो क्या करते हैं अपन लोग, या तो नई बोतल खरीद लो भाई, या फिर जो आपके पास एक चांस होता है किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जोड़ने की कोशिश करते तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर हमें लगाना चाहिए। तो वेन एवर सम पैटर्न ट्राई टू रिकॉग्नाइज बाय अवर माइंड एंड ब्रेन, देन फर्स्टली अवर ब्रेन ट्राई टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग विच वॉज ऑलरेडी आइडेंटिकल बाय अस। क्या होता है, जब भी हमें कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है ना, तो हमें जो पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट है उससे हम अपनी प्रॉब्लम को मैच करते हैं। क्या वो दो चीज़ें जो आपस में मैच कर रही हैं, अगर मैच कर रही हैं तो हम उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें जो कुछ नया सोचने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंडर आती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए फाइव सेंस ऑर्गन्स परसेप्शन हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, ये हमें रिकॉग्नाइज करने में मदद किया। जैसे आप देखिए क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आ गया और वो आपका फ्रेंड है, उसने बताया कि मैं तो डेनवर का लगा के आया हूँ या मैं तो वर्साचे का लगा के आया हूँ, तो इट मीन्स डेनवर का या सेटवेट, आप सभी को पता होगा सेटवेट या कोबरा परफ्यूम जो होते थे, तो क्या होता है उनकी जब आपको स्मेल लगेगी, आपने अपने नाक से या अपने जो नोज़ के साथ उसको स्मेल किया और आपने पता चला कि भी अरे ये तो वही परफ्यूम है जो राहुल लगा के आता है, ये तो वही परफ्यूम है जो साक्षी लगा के आती है, दैट इज़ द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। एक पैटर्न है परफ्यूम की स्मेल के साथ और उस परफ्यूम के साथ आपने पहचाना। अगर कोई नया बच्चा लगा के आ रहा है तो आप कहेंगे कि भी अरे ये वो तो वो नहीं है। एक और आपके अंदर इस जो चीज़ के अंदर एक नोट करने की बातें क्या होती है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, अक्सर क्या होता है आप जब भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था, जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, हो सकता है आपने इसको लकड़ी पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी नहीं लड़की है, तो वहाँ पर क्या होता है
प्रूफ रीडिंग व्हेन वी लीव ऑब्वियस एरर दिस इज बिकॉज इन सच केस वी सी नॉट व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी बट डिटरमाइन इट बाय कॉन्टेक्स्ट एंड ओवरलुक द एरर। क्या होता है कई बार हम जो अपने डेली लाइफ के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम देखकर पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कि एक जंगल में लकड़हारा है तो आपने सोचा लकड़ी ही काटेगा लड़की थोड़ी काटेगा, तो वहाँ पर जो लकड़ी लिखते ही आप जो एक एरर छोड़ जाते हैं। तो इसलिए आप भी अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें। नेक्स्ट आता है अटेंशन। देखिए अभी अटेंशन की ही बात थी, अटेंशन क्या होती है भाई? अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पावर किसी की क्या है, ठीक है? आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन की ना कुछ खास बातें हैं, तीन की पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लिमिटेड, सबसे पहली बात होता है लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे? यदि हम ट्राई कर रहे हैं प्रोसेस करने की एक से ज़्यादा चीज़ें। अब मान लीजिए मैं आपको एक बॉल कैच करने के लिए देता हूँ, दो बॉल एक साथ कैच करने के लिए देता हूँ, तीन बॉल एक साथ कैच करने के लिए देता हूँ। मान लिया आप सर्कस वाले, आपने चार भी कर ली पाँच भी कर ली, लेकिन मैं आपके पास 19 बॉल एक साथ आपके ऊपर फेंक दे रहा हूँ, तो आप क्या उनको कैच कर पाएंगे? आपकी अटेंशन लेवल वहाँ पर क्या रहेगा? तो इससे क्या कह सकता हूँ मैं, एक और एग्जांपल मान लीजिए, अभी आप एक इस वीडियो को एक ही टाइम में देख रहे हो भाई, ये चार घंटे की पाँच घंटे की वीडियो आप एक टाइम में देख रहे हो। हो सकता है आप एक ही टाइम पर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू ट्राई टू प्रोसेस टू मनी इवेंट इन मेमोरी वी बिकम ओवरलोडेड, आप क्या हो जाएंगे? ओवरलोड हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस आपकी बेहतर नहीं आएगी, ठीक है? तो रीडिंग कंप्लीट बुक इंस्टेड ऑफ नोट्स, ये जो अटेंशन की खास बात है। एक तो मैं आपके सामने बुक खोल के बैठ जाऊँ और कहूँ भाई पढ़ो भाई, तो हो सकता है आपकी अटेंशन है जो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाए। लेकिन मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, की पॉइंट्स बता रहा हूँ, पेंसिल के साथ हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। दैट इज़ द नोट्स को पढ़िए, अटेंशन वहाँ पर काम आती है। थर्ड चीज़ क्या है यहाँ पर? इट इज़ ए बेसिक पार्ट ऑफ कॉग्निटिव सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, कॉग्निटिव जब हमारे माइंड से रिलेट हो गई तो वहाँ पर हम अटेंशन की बात कर सकते हैं। तो इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ कॉग्निटिव सिस्टम। तो ये था हमारा अटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसे कहेंगे? हम कहेंगे चेतन। कितने हम अवेयर हैं अपने टेस्ट ऑफ टाइम, दैट मीन्स करंट अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टांसिस। कोई घटना आपके पास घट रही है और आपको है जो उसके बारे में आप कितना कॉन्शियस हैं, उसको हम कितने आप अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में, उसको आप कॉन्शियस कहेंगे। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है भाई, कॉन्शियस आपने घड़ी को देखा, आपने जो रिस्ट वॉच हमारे ऊपर होती है वो आपने देखा, तो हो सकता है आप उसको देखकर ये समझ जाए कि ये तो टाइम दिखा रही है, और हो सकता है जो दूसरा बंदा है उसका टाइम देखकर वो कहे कि इट्स गेटिंग लेट। तो ये क्या होता है? कॉन्शियस लेवल होते हैं, अलग अलग होते हैं एक्सटर्नल थिंग्स और इंटरनल थिंग्स पर है जो अवेयरनेस कितनी है एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल्स की। आप इसको टेस्ट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के अंदर क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आप जो कंसेप्चुलाइज आपके माइंड के अंदर जो पूरी रिप्रेजेंटेशन हो, और हो सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से आपके जो नॉलेज का पता लगेगा, आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इमेजरी का देखिए मैं एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप सभी ने स्विगी से या जोमेटो से या जो फूड ऑर्डर किया होगा, अमेजोन तो सब ने ही यूज़ किया होगा, अमेजोन लगा लीजिए यहाँ पर, और है जो स्विगी या जोमेटो से, आई भाई इनसे जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा वाला कहता है भैया आपका घर कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? भाई यहाँ पर ना एक माता का मंदिर है, माता के मंदिर के पास एक गली है, गली में आ जाइए, वहाँ पर एक समोसे वाला खड़ा होगा, समोसे वाले के पास वाली गली है, उसके अंदर आ जाइए, हमारे घर के बाहर आपको जो ग्रीन मैट लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये सभी क्या है? आपके माइंड के अंदर है जो एक कॉग्निटिव मैप है जो आपके जो माइंड से रिलेट करते हैं, वही बात है। एक इमेजरी, एक इमेजिनेशन जो मैप आपके माइंड में आपने क्रिएट किया उसको आप इमेजरी कहते हैं, तो वो है इमेजरी प्रोसेस। टेलिंग अबाउट एड्रेस टू समवन ड्यूरिंग द टाइम एड्रेस द इमेज ऑलरेडी इन योर माइंड, दैट इज़ द इमेजरी। तो लैंग्वेज किसे कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आठवां डोमेन, लैंग्वेज। आप सभी को पता है लैंग्वेज क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, विदाउट लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट विद अदर, ओके? तो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अब जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी तभी तो आप स्टोर कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन स्टोर प्रोसेस होगी आप स्टोर कर पा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिएगा? एक मीडियम चाहिएगा जिसको आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको मेरी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो आप जो वीडियो को स्किप कर देंगे। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी अबाउट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस बात के बारे में स्टडी करते हैं कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है।
मेमोरी, मेमोरी के अंदर क्या रहेंगे, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस कम्स फ्रॉम आवर परसेप्शंस, एसटीएम, एलटीएम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, सेंसरी मेमोरी के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फाइव सेंस ऑर्गन्स के साथ इनका जो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, उसको हम आगे ब्रीफली करेंगे। उसके बाद जो जैसे ही हम सेंसरी मेमोरी के ऊपर, मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हो और आपने किसी परफ्यूम पे या फिर किसी बर्गर की खुशबू के साथ ही उसको महसूस किया, तो इसका मतलब क्या है, सेंसरी मेमोरी पे आपने अटेंशन किया और वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आपको पता चल गया भाई, हाँ ये तो डेनवर का है, मैंने डेनवर का परफ्यूम खरीद लिया, तो आप जब उसका यूज़ करेंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। या कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई जब आपने जो रिसीव करते हैं आँखों के साथ, आप कोई नई जगह देखते हैं, तो आपकी सेंसरी मेमोरीज के थ्रू है जो आपके माइंड के अंदर प्रोसेस होती है फॉर ए लिटल टाइम के लिए, और फिर आप उस पर अटेंशन करते हैं, फोकस करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए, और फिर दोबारा आप उस पर फोकस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। ये हो जाता है मेमोरी का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप डेवलपमेंटल की बात को समझिए। देखिए डेवलपमेंट क्या होती है, एक तो ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट भी किसी भी बॉडी इंडिविजुअल्स के अंदर होल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच जिसका एम है एक्सप्लेन ग्रोथ करना, चेंज करना, कंसिस्टेंसी, जो हमारी लाइफ स्पेन, जो हमारी जो ड्यूरिंग द लाइफ जो जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारी वॉइस के अंदर लगा लीजिए, बॉडी प्रोपोर्शन के अंदर लगा लीजिए, माइंड के अंदर लगा लीजिए, इमोशन के अंदर लगा लीजिए, या ग्रोथ के अंदर लगा लीजिए, किसी के अंदर भी आप कोई भी चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, उसको हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेट करती है। सेवन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, ओल्ड एज, इन सभी को हम सेकेंड बुक लाइफ स्पैन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। तो ये इनको ब्रीफली अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही, ठीक है आपके लिए। थिंकिंग एंड कंसेप्ट किसे कहेंगे, देखिए कैसे बंदा है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और उसको कैसे स्टोर कर पा रहा है, कैसे कंसेप्ट फॉर्म कर पा रहा है। थिंकिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ए न्यू मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, एबिलिटी टू थिंक एंड फॉर्म कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब भी आप कुछ सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपके कॉग्निटिव माइंड से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या कहेंगे, जब मैंने आपको कोई पजल दे दी या आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको कितना समझ आया, आप रेटिंग दे दीजिए इस वीडियो के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। या मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि भी अगर आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और आपने जो वहाँ पर एक मोड़ पर, एक टर्न पर आपने बैंड लिया और आपके जो कुछ मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पर आपने बाइक को टर्न कर दिया, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, जो आप फिजिक्स की लैंग्वेज में उस फोर्स को क्या कहेंगे। इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन का जो आप आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अब मैं आपका क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटेलिजेंस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप उसको बता देंगे कि उसको सूडो फोर्स कहेंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू एक्वायर, चीज़ों को एक्वायर करने की, रिकॉल करने की, यूज ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इन सभी जो कॉन्सेप्ट्स की जो स्टडी जब हम करते हैं उनकी एबिलिटी, ह्यूमन माइंड की एबिलिटी को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे, जब आर्टिफिशियली कोई काम हो रहा हो, जैसे कि कैमरास, आजकल सभी यूज़ करते हैं भाई कैमरा, स्नैपचैट हो गया, सेल्फी सभी लेते हैं, किसी भी एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं हो जिसने सेल्फी ना ली हो, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो कैमरे के अंदर आजकल एक AI का ऑप्शन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करता है, जैसे ही आप कमरे के अंदर जाते हैं, अंधेरा होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ISO खुल जाता है मोबाइल फ़ोन का, अगर किसी को कैमरे की जानकारी हो तो, ठीक है। तो ISO क्या होता है, फोटो ब्राइट हो जाती है, शटर स्पीड डाउन हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, ISO अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि आप मैनुअल पे नहीं, ऑटोमेटिक मोड पर फोटो खींच रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, AI काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, आपकी स्किन टोन को, कलर को, केल्विन को, सभी को सेट कर देगा। दैट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्रिएट होते हैं थ्रू द प्रोग्रामिंग्स के थ्रू, प्रोग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन द वे ऑफ ह्यूमन माइंड प्रोसेस के ऊपर, जो कि डिपेंड करते हैं। तो ये सभी थे आपके 12 डोमेन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।